क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेशली मार्क करो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन टू एक्स, यहाँ साइन टू एक्स देखती है, फॉर्मुला क्लिक करना चाहिए मेरे को, साइन टू एक्वल्स टू साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मुला हमारे यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो परफेक्ट इसको बनने के चांसेस बहुत जल्दी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक तो आप इसमें वन एड कर दें और वन सब्ट्रैक्ट कर दें, इसकी जगह लिखते हैं टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स और डी एक्स, देन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये वन माइनस ब्रैकेट मेंशन करें वन माइनस टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स एंड डी एक्स। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड डी एक्स आंसर है। अब बहुत ध्यान से देखो क्या ये कौन सा फॉर्मूला बना, यहां पर बहुत ध्यान देने की बात कौन सी है, यहां जो एंगल होता है ना उसी एंगल का साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बना होता है, जो यहां एंगल है, अगर यहां सपोज 4x होता तो यहां इसको 2x 2x करते तो साइन स्क्वायर 2x और साइन कॉस स्क्वायर 2x लेना पड़ता है, तो जो एंगल यहां पर होता है उसी एंगल का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स, अब इसमें देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इसको डी ले लो, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, प्लस साइन एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये वाला पोर्शन किसका होता है डिफरेंशिएशन का। तो देखो ये ऊपर वाली की वैल्यू कौन कौन सी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये पूरा पूरा डी टी में कन्वर्ट हो गया एंड वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, दिमाग को पत्ती जल्दी नहीं जल्दी, हाँ साइन माइनस टी एंड प्लस सी, अब टी की वैल्यू डाल दो आप, टी की वैल्यू कितनी बेटा साइन माइनस कॉस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर बेटा बी पार्ट इसका, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, इसको परफेक्ट से बनाने के लिए ए स्क्वायर यहां पर ऐड कर दो और ए स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, आप जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर, वन अपॉन ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस प्लस आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसको ऐसा करो इसका रूट करके अगले नंबर सॉरी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर करने वाला फॉर्मूला कंपेयर करो वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपके इसमें तो बस फॉर्मूला बन गया लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स का एक्स प्लस ए है प्लस सेम वैल्यू ये वाले एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एंड सी,
अब देखो इसको ना मैंने वर्ड क्या बोला सेम, सेम का मतलब अगर मैं इसकी जगह ये ना ये सेम है ना, तो इसको अगर वापस उल्टा सॉल्व करो तो वापस यहां यही पहुंच जाऊंगा मैं, तो आंसर बन सकता है इसका log of x plus a plus यहां से उल्टा चला गया वैसे तो हमारे पास आ जाएगा x square plus 2ax plus b square। इसको हम लोग याद करने तरीके क्या होता है log x plus same, ऐसे याद करो। सेम का मतलब ये पूरी वैल्यू जिसको हमने इस तरह से अरेंज किया ना उसको आप उल्टा बैक करेंगे तो ये जा जाएगा, तो सेम ले सकते हैं। ये नाइन्थ का जो ए पार्ट है ना ये काफी फेमस क्वेश्चन है। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए माइनस एक्स और अपॉन एक्स डी एक्स, इसमें आप एक काम करो रूट एक्स को आप पी लो तो एक्स इक्वल्स टू हो गया पी स्क्वायर डिफरेंशियल वन हो गया इसका और ये टू पी एंड डी टी अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल्स टू टू पी एंड डी टी। देन इंटीग्रेशन क्या बन गया ध्यान से देखो ए माइनस एक्स यानी कि ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है यहां एक्स है ना एक्स की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर और ये रूट एक्स रूट एक्स का क्या हो जाएगा टी तो रूट आप ए कर रखो और इसको आप टी का मेंशन कर दो। अब डी एक्स की जगह आ गया टू टी एंड डी टी टी से टी कैंसिल टू को तो बाहर रखते हैं तो ये रूट ए का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर ये फॉर्मूला बन गया। कंपेयर करो देखिए कौन सा फॉर्मूला है कौन सा अच्छा टी अपॉन टू और ये सेम रहेगा रूट ए का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू यानी रूट टू ये रूट ए स्क्वायर अपॉन टू फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता ना तो टी अपॉन या ए की जगह रूट ए ये वैल्यू आ जाएगी और प्लस सी। अब वापस टी की वैल्यू रख दो ये अच्छा एक बार काम करो ये टू है ना इस टू का यहां और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा और टी की वैल्यू रखे आप टी की वैल्यू कितनी है रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर कितना है एक्स फिर प्लस या अपॉन टू का गया इस टू का इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस टू का यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा और इससे ए हो जाएगा साइन इनवर्स टी की जगह रूट एक्स और ये रूट ए है इसको लिख सकते हैं रूट एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी। ये आपके एक इजी क्वेश्चन था लेकिन ना एग्जाम में जब आता है तो प्रेशर क्रिएट कर देता है इसलिए आप इसको थोड़ा स्पेशली ध्यान रखेंगे। बी पार्ट इसका फर्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट इसमें थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे ए प्लस एक्स और ये ए माइनस एक्स कोई फॉर्मूला डायरेक्ट बन नहीं रहा है तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं जैसे यहां माइनस है ना यहां ए प्लस एक्स और यहां पर भी ए प्लस एक्स ये देखो ये दोनों सेम वैल्यू है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल ए प्लस एक्स आ जाएगा ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको आप अलग अलग लिखते हैं दिस अपॉन दिस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। थोड़ा ध्यान रखो ए तो क्या कॉन्स्टेंट है ना इसको आप वहां देख सकते हो यहां पर ये ए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन टी। यहां पर देखो यहां प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो टी लाइट का यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी मैंने आपको देखो ध्यान से देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स होता है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मिल जाए तो इसका होता है ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी। रूट के अंदर वाले फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं इसका डिफरेंशियल बनता है माइनस का टू एक्स और ऊपर हमारे पास क्या है सिर्फ एक्स है तो इसमें थोड़ा सा ना दिमाग लगाते हैं फिर क्या कर सकते हैं अगर डिफरेंशियल कम किया कितना पड़ रहा है ये देखो आप
यहां पर इसका डिफरेंस कितना होता है, x ऊपर है ना, माइनस टू एक्स रूट के अंदर वाली वैल्यू का माइनस टू एक्स है, तो माइनस टू एक्स यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई यहां पर और यहां पर डिवाइड करते हैं इसका माइनस टू, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर का कर सकते हैं। तो अब देखो इसका डिफरेंशियल, इसका जीरो हो जाएगा और माइनस टू एक्स जो आपको ऊपर अवेलेबल है, तो प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ऊपर है और यहां पर स्क्वायर रूट है, तो पाई ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स इसका डायरेक्ट आंसर होता है। तो वापस देख लें, जीरो इसका डिफरेंशियल, इसका माइनस टू एक्स ऊपर बड़ा है, प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो डी राइट करने की जरूरत है नहीं, ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये माइनस यहां जाएगा वन अपॉन टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, इस टू से टू कट कर दे, ये आपका आंसर जल्दी बन जाएगा, अगर आप टी लाइट पर भी करेंगे ना तो भी यही आंसर है। ये टेंथ क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप यहां देखो एक्स क्यूब है, ये रूट एक्स को पढ़ाने दो, इसको ए क्यूब माइनस को लिख सकते हैं थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। अब आप इसको टी ले लो, लेफ्ट एक्स की पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल करें इसका थ्री बाई टू आगे आ जाएगा और यहां थ्री बाई टू माइनस वन यानी सिर्फ हाफ इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हाफ का मतलब रूट एक्स हो गया और डी एक्स और ये टू बाई थ्री आई डी टी, देन इंटीग्रेशन वैल्यू बन गई टू बाई थ्री, तो बाहर कॉन्स्टेंट बाहर रख ले और ये रूट एक्स एंड डी एक्स ये हमारे पास टू बाई थ्री एंड डी टी में कन्वर्ट हो गया, वन अपॉन इसको ए क्यूब को लिख दो ए पावर थ्री बाई टू होल स्क्वायर माइनस यहां पर टी और ऊपर जाएगा स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा बन गया साइन इनवर्स वाला, टू बाई थ्री साइन इनवर्स टी अपॉन ए टू दी पावर थ्री बाई टू एंड प्लस। अब आप टी की वैल्यू पुट करते हो उसमें टू बाई थ्री साइन इनवर्स टी की वैल्यू एक्स टू पावर थ्री बाई टू अपॉन ए टू दी पावर थ्री बाई टू एंड प्लस, देन दिस इज टू बाई थ्री साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और इसकी पावर यहां पर थ्री बाई टू। एक इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट हो सकता है, तो इसको थ्री बाई टू का होल स्क्वायर लिख के सॉल्व करना है, ये इसकी ट्रिक है, बहुत अच्छे ढंग से याद रखेंगे। ये थोड़ा बहुत ही थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, इसको बहुत ज्यादा कोई सिंप्लीफाई होना नहीं है, तो आप सब्स्टिट्यूशन करो एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, पता रखा ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होने पर हमेशा टेन थीटा लेते हैं, करें डिफरेंशियल वन ए पढ़ा है हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, देन यहां थोड़ा सा बहुत ज्यादा सीरियस जाओ डी एक्स को लिखना ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो कॉन्स्टेंट है सेक स्क्वायर थीटा एंड ये डी थीटा अपॉन यहां पर ए स्क्वायर एक्स यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर थीटा होल पावर थ्री बाई टू, ये हमारे पास हो गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पावर कितनी है थ्री बाई टू ना, ये भी इसके साथ रहेगी यार, अंदर रहेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर थ्री बाई टू एंड थ्री थीटा। अब ये टू से ए टू कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा ए टू दी पावर थ्री एंड वन प्लस टेन स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर थ्री बाई टू, यहां से ए क्यूब कैंसिल होगा तो ए स्क्वायर बचेगा ए थीटा, फाइनली मेरे को क्या मिल रहा है इसमें, ये सेक स्क्वायर थीटा अपॉन इसलिए ना ए स्क्वायर भूल जाना पहले लिख लो बाहर ये स्क्वायर कौन सा ये वाला और ये स्क्वायर और ये पावर टू है ना वन पॉइंट टू ये कैंसिल हो जाएगा ओनली क्यूब रहेगा ये हो गया सेक क्यूब थीटा एंड डी थीटा, इन दोनों को सॉल्व करें क्या आएगा भाई
ये sec स्क्वायर है, ये sec क्यूब है, कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा, सिर्फ sec थीटा, वन अपॉन sec थीटा एंड d थीटा, बहुत सिंपल हो गया। आप तो वन अपॉन sec को बोलते हैं cos थीटा एंड d थीटा, और cos का क्या हो जाएगा sin थीटा, ठीक है ना, एंड प्लस c। अब sin थीटा को कन्वर्ट कर लो, और साइन थीटा को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यहां से देखो आप, यहां से ट्रायंगल मेंशन करो, टेन थीटा कितना है, एक्स अपॉन ए अपॉन में चला जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर बेस के लिए टोटल सीधा हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बेस में साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहां से करो, वन अपॉन ए स्क्वायर एंड एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन प्लस सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या करना है। अब बेटा देखो ऐसे ना अपडेट्स आप कंटिन्यू सबसे पहले मिले इसके लिए आप उसको ना चैनल को सब्सक्राइब करो।